जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन आईआईटी एग्जाम 2021 का हमने क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है और ये भी रियल एनालिसिस का है। वैसे ऑलरेडी हमने सॉल्यूशंस जो है रियल एनालिसिस के लगभग सारे क्वेश्चंस का प्रोवाइड कर दिया है, बट एक क्वेश्चन हमने देखा कि भी बचा हुआ है तो देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम वालों द्वारा सेट किया गया, तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, पहले क्वेश्चन देख लें। अच्छा, ये एमएसक्यू का क्वेश्चन है, ये मतलब मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस नहीं है। एक से ज्यादा ऑप्शंस यहां ट्रू हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कंसीडर द फोर फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। ये फंक्शंस गिवन है, आर टू आर डिफाइंड है। एफ वन एक्स इज दिस मच, एफ टू एक्स ये है, एफ थ्री एक्स आर टेन एक्स। अच्छा चीज है, अगर लिसनर ध्यान दें कि ये जो आर टेन एक्स है आईटी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जो स्टार्टिंग जो सिंबल होता है ना, तो ऑलरेडी वहां से ही पिकअप कर लिया गया है। अगर यहां देखा जाए आर्ग टेन एक्स, तो जो आर्ग टेन एक्स का कंसेप्ट है वो आर्ग टेन एक्स उस थीटा के लिए है जहां हमारा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू, ऑलरेडी दिस इज द डिफाइंड इन द पेपर, ये पेपर में ही डिफाइंड है, थीटा बिलोंग्स माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। यस, मतलब कि ये जो है वन वन फंक्शंस की बात होती है वहां, दिस इज द डिफाइंड, पहले पेज पे ये डिफाइंड रहता है। उसके बाद ये फोर एक्स ये गिवन है कि अगर एक्स जेड में नहीं है तो एक्स है, अगर एक्स जेड में बिलोंग करता है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है। तो पूछा क्या है कि फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर आर ओपन, कि ऐसे कौन से सबसेट हैं जो ओपन है, चाहे इज एंड आर होगा, ऐसा जनरली रहता है इज आर ये। यहाँ विच फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर ओपन, ओपन की बात यहाँ है। और ऑप्शन ये देखें अगर, तो द रेंज ऑफ एफ वन की बात है, क्या रेंज ऑफ एफ वन ओपन है, रेंज ऑफ एफ टू ओपन है, रेंज ऑफ एफ थ्री ओपन है, आर रेंज ऑफ एफ फोर ओपन है। मतलब है कि जो फंक्शंस के रेंज है, रेंज वो जो सबसेट जो रियल नंबर के बनेंगे, वो पता करना है कि ये ओपन है आर क्लोज्ड, इसकी बात वहां की जा रही है। तो देख लेते हैं, अब मतलब हमें अब फोकस करना होगा ना रेंज पे, ये जो फंक्शंस डिफाइंड है उनका रेंज क्या है, यानी उसके रेंज में कौन सारे नंबर आते हैं। तो पहला तो हम यही देख लें जो डिफिनीशंस है एफ थ्री एक्स की, ऑलरेडी यहाँ तो चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश हो जाएगा। यहाँ ये टेन इनवर्स एक्स है और ये वहां डिफाइंड है जहां टेन एक्स इनवर्स एक्स थीटा, वो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अगर मुझे इस एक्स की तलाश है तो फिर एक्स माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, और डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव ये जो मेरा होता है दिस इज द ओपन इंटरवल एंड, और सबको पता है दिस इज द इंटायर रियल नंबर, और इंटायर रियल नंबर आर फाई है तो हमेशा ओपन सेट होता है, बहरहाल क्लोज्ड भी होता है। तो मुझे यहाँ ओपन की बात करनी है, तो जो हमारा यहाँ एफ टू है वो तो उसका जो रेंज होगा डेफिनेटली दिस इज द ओपन ईयर। तो ऑप्शन जो बी है वो तो यूं ही हमारा दिस इज द ट्रू ऑप्शन ईयर। अब उसके बाद यानी जो बी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट। अब थोड़ा इस पे देख ले, फोर पे थोड़ा आ जाए, ये जो फोर लिखा हुआ है कुछ अलग टाइप्स का है यहाँ, तो एफ फोर की थोड़ी मैं एनालिसिस कर दूं। ये जो एफ फोर एक्स यहाँ जो फंक्शंस है वो कह रहा है एक्स है इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू जेड है इंटीजर्स में, और जीरो है इफ एक्स बिलोंग्स टू जेड। अच्छा, इसके रेंज की बात करनी है, तो रेंज में कौन कौन से होंगे, तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज है वहां पे फंक्शंस की वैल्यू जीरो है, यानी एफ ऑफ वन जीरो है, एफ ऑफ टू जीरो है, मीनिंग मेरी ये हो गई। अगर इसका हम थोड़ा एक रफ स्केच आइडिया बना है, एक स्केचिंग करें इनका, थोड़ा फिगर बना लें, तो देखिए अगर मैं जेड जीरो लिखूं तो या फोर एक्स जीरो की जो वैल्यू होगी जीरो होगी, तो जीरो जीरो यहां मिल जाएगा दिस, और उसके बाद अगर मैं यहां वन लिखूं तब भी वहां जीरो मिलेगा, टू लिखूं तब भी जीरो मिलेगा, लेकिन जीरो और वन, ये जीरो और वन के बीच में अगर मैं कोई नंबर पिकअप करूंगा तो उसकी वैल्यू यहां से आएगी। तो मतलब जीरो और वन के बीच में जो वैल्यू होगी हमारी एक्स मिलेगी, और इस एक्स का मतलब क्या होगा, अच्छा जीरो लिखने पर तो जीरो मिल गया, और जीरो के बाद अगर मैं कोई नंबर यहां लिखूं, जैसे मान लो जीरो पॉइंट मैं वन लिख रहा हूं, दिस इज नॉट इंटीजर, और इंटीजर्स के लिए जीरो है, तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो वहां उसकी वैल्यू ये है, तो दिस इज द जीरो पॉइंट वन। अच्छा, एक फंक्शन की एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये जो फंक्शन है इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं है, सिवाय जीरो को छोड़ के, जीरो पे तो कंटिन्यूअस है। अच्छा, कंटिन्यूअस पता करने का इस टाइप का क्वेश्चन का एक अपना मेरा भी एक तरीका रहा है, वो ये है कि इसको इसको इक्वल कर दीजिए
और जो पॉइंट एक्स के निकल के आएंगे डेफिनेटली वो हमारे वहां कंटिन्यूअस होंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है और वे सारे नंबर्स पे कंटिन्यूअस है जो इंटीजर नहीं है। तो वन पे कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन वन प्लस एच और वन माइनस एच मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की जब बात करेंगे तो वहां ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि वन प्लस जीरो एफ ऑफ वन प्लस जीरो और वन माइनस जीरो डज नॉट सेटिस्फाई और एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मतलब कहने की मीनिंग क्या है कि जो इंटीग्रल वैल्यू है वहां पर फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है और हर जगह फंक्शंस कंटिन्यूअस है और ईच रियल नंबर पे फंक्शंस की वैल्यू डिफाइंड है। तो यस, तो अगर मैं यहाँ जीरो वन की मैं यहाँ बात करूं तो जीरो पे तो जीरो वैल्यू मिलेगी, अच्छा वन पे फंक्शंस की वैल्यू जो होगी वन पे भी मेरी जीरो मिलेगी, इनके बीच मेरा फंक्शंस कंटिन्यूअस है। तो कहने का मतलब क्या, इसकी जो रेंज की जो वैल्यू आएगी वो रेंज की वैल्यू में वन नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, थ्राइज की हम बात कर रहे हैं। क्यों नहीं आएगा, जब हम एक्स नॉट बिलोंग्स जेड है तो एक्स आ रहा है, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन की खासियत होती है अपने पॉइंट को खुद मैप करता है। एक्स जेड नहीं है तो जेड के अलावा जितने सारे नंबर हैं उसकी वैल्यू वही मिलेगी। मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ 1.1 निकाला तो 1.1 आएगा, एफ ऑफ 1.2 निकाला तो 1.2 आएगा, दिस बट ऑल इंटीजर्स पे उसकी वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन अगर मैं एफ ऑफ वन की मैं बात करूं कि वो कौन सा नंबर है जहां पर फंक्शंस की वैल्यू वन है, तो कोई भी नंबर नहीं है क्योंकि एफ ऑफ वन लिखेंगे तो फिर यहाँ ये नहीं लाएगा ना, फिर ये आ जाएगा एफ ऑफ वन पे जीरो आ जाएगा। तो जितने सारे इंटीजर्स हैं इंटीजर्स पे फंक्शंस की वैल्यू जीरो मिलेगी और बाकी इंटीजर के छोड़ के जो वैल्यू है वो जो लिखेंगे वो मिलेगा बट इंटीजर नहीं मिलेगा। इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो रेंज ऑफ एफ फोर होगा उसमें क्या क्या मिलेगा, जीरो तो मिलना है यस, अच्छा और बाकी इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, जीरो मिलेगी, यहाँ देख लिया जाए जीरो मिलेगी ये डेफिनेटली, अच्छा वन नहीं मिलेगा, जीरो वन के बीच जितने सारे नंबर हैं वो मिलेगा। फिर उसके बाद ये अगर मैं यूनियन करूँ वन नहीं मिलेंगे टू भी नहीं मिलेंगे बट वन और टू के बीच जितने सारे नंबर हैं वो नंबर मिल जाएंगे रेंज में, वन नहीं आएगा भाई व्हाट इज द रीजन, वन आने के पीछे यहाँ कोई नंबर नहीं, अभी हमने देखा टू भी नहीं आएगा। अच्छा थोड़ा इसके अगर हम पीछे बात करें तो अगेन माइनस वन और जीरो ये भी मिल जाएगा, अच्छा जीरो मिलेगा तो यहाँ मैं सोचे क्लोज कर दूँ, यूनियन थोड़ा और इधर चलूँ तो ये भी ओपन होगा हमारा, माइनस टू माइनस वन दिस यूनियन ऐसे चलेगा। अच्छा इसको इसको मैं अगर कंबाइंड कर दूँ तो माइनस वन वन नहीं है बट उसके बीच जितने सारे नंबर हैं हर नंबर पे फंक्शंस की वैल्यू है मतलब वो रेंज में है, तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन। तो एक बड़ा फेमस रिजल्ट है कि अगर आपके पास ओपन इंटरवल है तो इनफाइनाइट नंबर शब्द अगर आपके पास ओपन इंटरवल है उनका यूनियन लिखा जाए तब भी मेरा ओपन इंटरवल ही होता है, मतलब कि ये मेरा ओपन इंटरवल ही मिलेगा एंड एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। हर ओपन सेट ओपन इंटरवल नहीं होता है बट एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा ओपन सेट होगा, तो जो फोर है डेफिनेटली दिस इज ए ओपन सेट और इसके इस अच्छा अगर मैं रेंज की बात करूं लिसनर अगर ये जानना चाहते हैं इसके रेंज में कौन कौन सी वैल्यू आएगी तो देखना रेंज में सारे नंबर्स आएंगे मतलब आर में से दिस रियल नंबर में से मैं ये जेड काट दूं और यहाँ उसके बाद मैं यूनियन जीरो कर दूं, जीरो तो रहेगा ना क्योंकि अभी जीरो प्रेजेंट है तो जीरो यहाँ प्रेजेंट होगा और रियल नंबर में से सारे मैं जेड काट दूं क्योंकि जेड वहाँ प्रेजेंट नहीं है अभी हमने देखा भी, तो एफ फोर भी मेरा जो है ना दिस इज द ओपन सेट, ये भी ओपन सेट है जिसके रेंज में इंटीजर नहीं है बट जीरो है, जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीग्रल वैल्यू उसके पास नहीं है। अब इसके बाद द रेंज ऑफ एफ थ्री की बात है, एफ थ्री हो गया, एफ फोर हो गया, अच्छा एफ टू की बात कहां है, तो एफ टू के लिए के रिजल्ट की मैं यहां बात कर दूं, जो F2 जो मेरा फंक्शंस गिवन है दिस इज ए पॉलीनोमियल, F2 और F1 ये सब पॉलीनोमियल है और F2 x इज इक्वल टू है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, अगर मैं यहाँ x कॉमन खींच लूँ तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। निर्विवाद रूप से अगर मैं इसके रूट्स की बात करूँ तो जो रियल रूट्स आएंगे जो रियल रूट होगा x इज इक्वल टू 0, बाकी इसके सॉल्व करने पे वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और इसके मैं अगर ट्रेसिंग की बात करूं मीनिंग जब ये फंक्शंस आप कर्व की दुनिया में इस फंक्शंस को लेके चलेंगे जो फिगर बनाएंगे या फिगर की जब बात सोचेंगे तो ये
जीरो से पास कर रहा है, वैसे भी कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स विद दिस स्टैंडर्ड, या जीरो लिखने पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है, जितने भी रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। तो मतलब क्या हो गया कि दिस फंक्शन इज 1 1, और सबको पता है कि अगर कोई पॉलीनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री n है तो वो हमेशा फंक्शंस जो होता है ना माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अपने पास रखता है, और इसका शेप कुछ यूं होगा, ऐसा शेप होगा इसका दिस। और इसके रेंज में यानी जो रेंज ऑफ एफ टू होगा ये मेरा ये होगा। और ये ध्यान भी देने वाली बातचीत है कि अगर कोई पॉलीनोमियल्स है वो ई 8 डिग्री का है, 8 डिग्री का मतलब इसकी जो मैक्सिमम डिग्री हो वो 8 हो, अगर वो 8 डिग्री का है तो उसके रेंज में इंटायर रियल नंबर आता है। लेकिन अगर कोई पॉलीनोमियल इवन डिग्री का है, इवन डिग्री इन द सेंस के मतलब कि उसका जो मैक्सिमम पावर है वो अगर इवन है तो वो इंटायर रियल नंबर नहीं आता है, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव आते हैं निगेटिव आएंगे बट इंटायर रियल नंबर नहीं आता है। लेकिन जितने 8 डिग्री पॉलीनोमियल्स होंगे अगर पूरा उसके डोमेन में रियल नंबर है तो उसके रेंज में रियल नंबर आता है। तो मीनिंग हमारी ये हो गई कि इसका जो एफ टू का जो रेंज होगा वो इंटायर मेरा रियल नंबर होगा, और इंटायर अगर रियल नंबर है और इंटायर रियल नंबर इज ओपन सेट तो ये मेरा ओपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो एफ टू ओपन की बात कर रहा है वो भी सही होगा। तो रेंज ऑफ एफ थ्री ओपन है, अभी हमने दिखाया कि एफ थ्री का जो ये है ये ओपन है, और बी में द रेंज ऑफ एफ टू, अच्छा नहीं ये तो पहले नहीं ये था ना, सॉरी द रेंज ऑफ एफ थ्री, एफ थ्री में ये बात कर रहा था आर टेन एक्स, तो ये तो मेरा ओपन है एस। उसके बाद जो 8 डिग्री पॉलीनोमियल है मतलब दिस 8 डिग्री पॉलीनोमियल ऑलवेज है, और इवन डिग्री जो पॉलीनोमियल होता है उस हमेशा, जैसे अगर मैं एक यहाँ बात कर लूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एग्जाम्पल की थोड़ी मैं बात कर लूं, और इसकी मैं ट्रेसिंग करूं तो सबको पता है दिस इज अ पैराबोला, ये पैराबोला है, और x इज इक्वल टू r जो इसका जो डोमेन है, इस डोमेन पे अगर मैं रेंज की बात करूं तो इस रेंज में सिंपली पॉजिटिव रियल नंबर आते हैं विथ जीरो बट निगेटिव नहीं आता है। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ सब पॉजिटिव ही आएगा या निगेटिव वैल्यू भी आएगी बट x4 हमेशा इसको डोमिनेट कर जाएगा। तो जब x माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे ना तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा, तो उस स्टेज में इंटायर रियल नंबर पे ना इसके रेंज इंटायर रियल नंबर नहीं होते हैं। इंटायर रियल नंबर नहीं होने का हमारा मतलब क्या हो गया कि रेंज में वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मतलब कि ये ओपन नहीं होगा, दिस इज नॉट ए ओपन, दिस इज नॉट ए ओपन सेट हियर, मतलब वहां क्लोज्ड की भी बात आ जाएगी। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन कौन ट्रू है, तो यहाँ जो एफ वन है एफ वन हमारा ओपन नहीं होगा, ओपन हियर, बाकी सबके रेंज हमारे ओपन हो जाएंगे, हमने इस चीज को प्रूव भी किया। तो रेंज ऑफ एफ थ्री ओपन नहीं है, द रेंज ऑफ एफ वन इज ओपन नहीं, ये ओपन नहीं है, तो ऑप्शन ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा बी सी डी ये करेक्ट ऑप्शन होगा, और बाकी जो ऑप्शंस थे उस फंक्शंस के रेंज में ओपन नहीं होगा, तो दिस इज नॉट राइट हियर। तो हेंस मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही होगी पूरी बात क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।